नमस्कार, मिथिलांचल के पहले डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा में स्वागत है आप सबों का। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में संतोष झा। शुरुआत उन खबरों से जो है आज की सुर्खियां। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क। भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर खुल गया है मिर्जापुर चौक दरभंगा में। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट नए रंग रूप में, अशोका कॉम्प्लेक्स राजकुमारगंज दरभंगा विथ होम डिलीवरी फैसिलिटी। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर दिग्घी पश्चिम दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों का इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। रिश्ता वही सोच नई, वाटिका मेगा मार्ट श्री बालाजी कॉम्प्लेक्स मिर्जापुर रोड दरभंगा। ISO प्रमाणित मेट्रो IVF सेंटर बाकरगंज लहेरिया सराय दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला IVF सेंटर, डॉक्टर रूही यास्मीन निसंतान रोग विशेषज्ञ। द जावेद हबीब सैलॉन फॉर मेन एंड वोमेन मिर्जापुर रोड राजकुमारगंज दरभंगा। हेयर ब्यूटी एंड मेकओवर अप टू 50% डिस्काउंट ऑफर। अभी बुक करें और अवेल करें बाद में भी। जिलाधिकारी का सख्त आदेश, शौचालय के MIS एंट्री में लापरवाही पर 14 प्रखंड समन्वयक एवं कार्यपालक सहायकों के मानदेय में कटौती। मनोरम पर्यटक स्थल के रूप में विकसित होगा चंद्रधारी संग्रहालय एवं दिग्घी तालाब, जिलाधिकारी ने पूरी टीम के साथ किया निरीक्षण। दरभंगा मेडिकल कॉलेज में दीप प्रज्वलन के साथ रोबिला वैक्सीनेशन का हुआ प्रारंभ, जगह जगह लगाए जाएंगे टीके। रोटरी क्लब ऑफ दरभंगा द्वारा रहमगंज मध्य विद्यालय में विद्यार्थियों के लिए 2 टॉयलेट, हैंड वॉशिंग स्टेशन, सबमर्सिबल पंप और वाटर हेड टैंक का कराया गया निर्माण, नगर विधायक ने किया उद्घाटन। कुटीर एवं घरेलू उद्योग की जानकारी है आत्मनिर्भरता की कुंजी, कहा CM कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने। छात्राओं के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला का हुआ आयोजन। और ऐ काश देखूं मैं आज की रात, चांद और पिया दोनों एक साथ, अखंड सुहाग की कामना के साथ महिलाओं ने रखा करवा चौथ का। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से बस थोड़ी ही देर में। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास, मैं तो चली किसना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन, किसना जगाओ विश्वास प्यार का, भाव विश्वास परिवार का। एक विश्वास है, एक हौसला है, एक रिश्ता है। आपके सपनों की उड़ान TPMI लीडिंग पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ। हमारे पास ओप्पो, सैमसंग, जियोनी और सभी प्रकार के स्मार्टफोन्स सेलिंग के लिए उपलब्ध हैं, और वो भी 0% फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के आकर्षक लोन सुविधा के साथ। आकर्षक एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध, संपर्क करना ना भूले। मिथिलांचल का गौरव, 31 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर रूप अलंकार ज्वेलर्स।
100% हॉलमार्क ज्वेलरी शॉप बाकरगंज लहरिया सराय दरभंगा 100% प्योर सोना चांदी एवं हीरे के आभूषणों का विश्वसनीय प्रतिष्ठान शुद्धता के साथ मनपसंद और मनमोहक डिजाइन जो छू लेंगे आपके मन को। विवाह और पार्टी के लिए ज्वेलरी की आकर्षक रेंज रत्न एवं उपरत्नों का संपूर्ण कलेक्शन कन्हैया प्रसाद राजू की विश्वसनीय दुकान। लाइफ स्टाइल उत्तर बिहार का सबसे बड़ा एक्सक्लूसिव गोदरेज इंटीरियर शोरूम होली क्रॉस स्कूल के सामने दोनार दरभंगा। होम एंड ऑफिस फर्नीचर एवं मैट्रेसेस, सोफा बेड डाइनिंग टेबल आलमीरा लॉकर एवं बहुत कुछ जो बढ़ाएंगे आपकी शान। फेस्टिवल ऑफर गारंटीड डिस्काउंट, हर खरीद पर स्क्रैच कूपन जिसमें पा सकते हैं 5 से लेकर 100% तक कैशबैक। श्री कलेक्शन एंड श्री सारीज टावर चौक दरभंगा, लेडीज मेंस एंड किड्स वेयर का अनोखा संगम। एलन सॉली वैन हुसैन ली रैंगलर लिवाइस मोंटे कार्लो मान्यवर समेत सभी लीडिंग कंपनियों के कपड़े। हमारी खास पेशकश श्री सारीज में पाइए प्योर सिल्क कांजीवरम डिजाइनर सिफोन एंड बुटीक साड़ियों की रेंज, दुल्हन लहंगा गर्लिस लहंगा कॉटन एंड फैंसी सूट पीस। अपने बच्चों को बनाएं एक बेहतर इंसान, फिर मंजिल खुद आएगी उनके पास क्योंकि हम देंगे आपका साथ। राज कोचिंग सेंटर 22 नंबर गुमती से पूरब बलभद्रपुर नवटोल लहरिया सराय दरभंगा। क्लास 1 से 10th तक की गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई CBSE ICSE एवं बिहार बोर्ड के छात्र छात्राओं के लिए। बेसिक नॉलेज को मजबूत करने पर खास ध्यान, विषय विशेषज्ञों द्वारा पढ़ाई, फ्री एडमिशन। इंक्वायरी टाइम सुबह 10 बजे से संध्या 5 बजे तक, डायरेक्टर आनंद कुमार झा। दरभंगा में पहली बार GK और GS पढ़िए ट्रिक के माध्यम से, मिथिलांचल का गौरव अचीवर्स पॉइंट बाई जी कुमार। सिटी कार्ट मॉल के सामने शाही कम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल पर बेता लहरिया सराय दरभंगा। करिए तैयारी रेलवे CRPF ASM TC CC SSC आर्मी और बिहार पुलिस दरोगा सचिवालय सहायक के अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में। पिछले वर्ष बिहार पुलिस बैच में 21 में से 15 सफल, फ्री एडमिशन। اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك। حج اور عمرہ کریے ہمارے ساتھ, पिछले 11 वर्षों से हम करा रहे हैं यह काम। नफीसा हज एवं उमरा ट्रेवल्स बाजार समिति गेट के सामने शिवधारा दरभंगा। दूसरे काफिले की रवानगी 10 दिसंबर को, तीसरे काफिले की रवानगी 20 जनवरी 2019 को और इसी तरह जून 2019 तक हर महीने काफिले की होगी रवानगी। हर रवानगी से 2 महीना पहले पासपोर्ट एवं फोटो आदि जमा करें। अधिक जानकारी के लिए ऑफिस से संपर्क करें या कॉल करें 9835686530 और 9939797586 पर। और समाचार अब विस्तार के साथ। जिलाधिकारी के कड़े तेवर, दिया सख्त आदेश, शौचालय के MIS एंट्री में लापरवाही पर 14 प्रखंड समन्वयक एवं कार्यपालक सहायकों के मानदेय में कटौती का निर्देश। शौचालय के MIS एंट्री में लापरवाही पर 14 प्रखंड समन्वयक एवं कार्यपालक सहायकों के मानदेय में कटौती। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंतर्गत निर्मित शौचालय का वेबसाइट पर एंट्री करने में लापरवाही बरतने पर जिले के 14 प्रखंडों के प्रखंड स्वच्छता समन्वयक एवं कार्यपालक सहायक के 1 सप्ताह के मानदेय में कटौती का आदेश दिया गया है। जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने 1 अक्टूबर से 23 अक्टूबर के बीच किए गए MIS एंट्री के आधार पर संबंधित कर्मियों के मानदेय में कटौती का आदेश दिया है। जिले के बहादुरपुर बिरौल गौराबराम केवटी सिंहवाड़ा तारडी दरभंगा घनश्यामपुर हनुमाननगर जाले किरतपुर कुशेश्वर स्थान पूर्वी एवं मनीगाछी प्रखंड में प्रखंड स्वच्छता समन्वयक एवं कार्यपालक सहायकों के द्वारा शौचालय बनवा चुके लाभुकों के आवेदन की अत्यंत ही कम एंट्री की गई, जबकि प्रतिदिन प्रत्येक प्रखंड में न्यूनतम 200 लाभुकों के आवेदनों एवं संबंधित कागजातों की एंट्री की जानी है। जिलाधिकारी ने संबंधित प्रखंड स्वच्छता समन्वयक एवं कार्यपालक सहायकों को अपने कार्य में सुधार लाने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया है। उन्होंने उप विकास आयुक्त डॉ. काली प्रसाद महतो को निर्देश दिया है कि वे सभी प्रखंडों में निर्मित शौचालयों के MIS पर एंट्री एवं लाभुकों को प्रोत्साहन राशि के भुगतान में हुए प्रगति का अनुश्रवण करते रहें एवं समय सीमा के अंदर निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप एंट्री एवं भुगतान करवाना सुनिश्चित करें। कर्मी इस काम में लापरवाही बरतेंगे उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। मनोरंजन पर्यटक स्थल बनेगा
विकसित होगा चंद्रधारी संग्रहालय, दिग्घी तालाब भी बनाया जाएगा खूबसूरत। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने पूरी टीम के साथ किया निरीक्षण। मनोरम पर्यटक स्थल के रूप में विकसित होगा चंद्रधारी संग्रहालय एवं दिग्घी तालाब। दिग्घी तालाब का सौंदर्यीकरण कर इसे एक आकर्षक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने चंद्रधारी संग्रहालय तथा दिग्घी जलाशय का निरीक्षण करते हुए उक्त बातें कहीं। उन्होंने नगर निगम के कंसल्टेंट को निर्देश दिया कि जलाशय के कम गहराई वाले उत्तर पश्चिम के जिस हिस्से में अभी जलकुंभी है, उधर किनारे किनारे पाथवे बनाकर उसी हिस्से में लोहे के पुल से दोनों किनारे को जोड़ने का प्रपोजल बनाएं। लोहे का यह पुल दूसरे किनारे के पाथवे को म्यूजियम परिसर के उस हिस्से से जोड़ेगा जिसमें अभी कई मूर्तियां एवं भित्ति चित्र बना हुआ है। इससे यह जलाशय सुंदर भी हो जाएगा और नौका विहार का एक अलग क्षेत्र विकसित होगा। इस प्रपोजल को तैयार कर एक सप्ताह में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। नौका विहार के इस क्षेत्र में फाउंटेन भी लगेंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि सौंदर्यीकरण से संबंधित जितने कार्य अभी हो सकते हैं उसे इस योजना में लें। जो कार्य इसके अंतर्गत संभव न हो उसके लिए कला संस्कृति विभाग को अलग से प्रस्ताव बनाकर भेजें। म्यूजियम के क्यूरेटर एवं इस कार्य में लगे कंसल्टेंट ने जिलाधिकारी को जानकारी दी कि म्यूजियम के परिसर में सुंदर पार्क भी बनाया जाएगा। इस पार्क में आने वाले लोगों के लिए सभी प्रकार की जरूरी सुविधाएँ उपलब्ध रहेंगी। बच्चों के लिए बनने वाले पार्क में झरना, झूला एवं अन्य मनमोहक आकृतियाँ भी होंगी। जिलाधिकारी ने नगर आयुक्त को निर्देश दिया कि पूरा प्लान इस तरह से बनाइए कि भविष्य में लेजर शो भी यहाँ हो सके, इसके लिए जगह उपलब्ध रहे। म्यूजियम के पीछे तालाब के किनारे का सिल्ट हटाकर वहाँ पानी में ही एक स्थायी स्टेज के साथ रेलिंग का भी निर्माण होगा। जिलाधिकारी ने म्यूजियम के जीर्णोद्धार कार्य का भी जायजा लिया। म्यूजियम के क्यूरेटर ने बताया कि वर्तमान में चल रहे जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण के अलावे म्यूजियम में गैलरी पुनर्संयोजन के लिए अलग से योजना बनाई जा रही है। जिलाधिकारी ने इस संबंध में भी प्रस्ताव बनाकर जल्दी सरकार को भेजने का निर्देश दिया। निरीक्षण के क्रम में जिलाधिकारी ने वाटर स्पोर्ट्स के लिए खरीदे गए खेल सामग्रियों का भी अवलोकन किया। उन्होंने जिला खेल पदाधिकारी तथा जिला मत्स्य पदाधिकारी को निर्देश दिया कि मिथिला महोत्सव के अवसर पर होने वाले नौकायन प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों का चयन कर उनका ट्रेनिंग शुरू कर दें। ट्रेनिंग की व्यवस्था इस प्रकार से शुरू की जाए कि यहाँ के प्रतिभागी राज्य एवं नेशनल लेवल के प्रतियोगिता में भी भाग लेने योग्य बन सकें। जिलाधिकारी ने हराही पोखर का भी जायजा लिया एवं वहाँ के सौंदर्यीकरण कार्य के लिए भी प्रपोजल बनाने का निर्देश नगर आयुक्त को दिया। हराही पोखर के पास पौधारोपण, बच्चों के पार्क तथा झूला एवं घाट तथा फ्लोटिंग फाउंटेन बनाने से संबंधित प्रस्ताव बनाकर विभाग को भेजने का निर्देश दिया। इस अवसर पर नगर आयुक्त नागेंद्र सिंह, उप विकास आयुक्त डॉक्टर कारी प्रसाद महतो, अनुमंडल पदाधिकारी राकेश गुप्ता, जिला खेल पदाधिकारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी, म्यूजियम के क्यूरेटर, कंसल्टेंट एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी इस परियोजना से संबंधित लोग मौजूद थे। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ऑडिटोरियम से हुई शुरुआत, दीप प्रज्वलन के साथ वैक्सीनेशन का रोबेला वैक्सीनेशन कार्य प्रारंभ हुआ। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ऑडिटोरियम में दरभंगा चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा दीप प्रज्वलित कर रोबेला वैक्सीनेशन का प्रारंभ किया गया। इस बीमारी से बचाव के लिए टीके लगाए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ मुख्य रूप से ICDS विभाग एवं शिक्षा विभाग का भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल है। आप लोग जानते हैं कि ये दोनों बीमारी बहुत बहुत जटिल समस्या है समाज में, ना इलाज है और अंतोगत्वा उसे मरना ही होता है। तो आप इसके डेडेड कॉम्प्लिकेशन के बारे में आप बता सकते हैं कि होने से क्या दिक्कत हो सकता है और उसकी कोई इलाज नहीं है और अंत में मरना ही एक इलाज है। दूसरा रूबेला है, बच्चे में यदि रूबेला इन्फेक्शन या एडल्ट में होता भी है तो बहुत माइल्ड सिम्टम्स लेके चला जाता है। सर्दी, खांसी, लिम्फ नोड बढ़ गया, कंजंक्टिवाइटिस हुआ और बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होती। लेकिन जब किसी प्रेग्नेंट लेडी को हो गया और वह बच्चा ट्रांसमिट करता है जब बच्चे में और कंजनाइटल रूबेला बन करके आता है तो फिर उसका इलाज मुश्किल है। तो खास करके जब बच्चा का सुनाई नहीं है, डिफनेस हो जाता है, आँख में कैटरेक्ट हो गया, रेटिनोपैथी हो गया और बच्चा मंद बुद्धि का मेंटली रिटार्डेड हो जाएगा आपका बच्चा, कंजनाइटल हार्ट हो जाता है उसको हार्ट डिजीज, तो जैसे कंजनाइटल हार्ट का भी आप ठीक है ऑपरेशन करके इलाज करा लीजिएगा लेकिन उसका दिमाग को तो आप नहीं बढ़ा सकते। ऐसे है जो हम MR वैक्सीन लॉन्च करने जा रहे हैं उसके लिए तैयारी, हम लोग सभी को जानते हैं अगर हम तैयारी करने में चूक गए तो चूकने के लिए तैयार हो जाएंगे।
ये प्रोग्राम तभी सक्सेस हो सकता है जबकि जितने इसके स्टेक होल्डर्स हैं, क्योंकि काफ़ी हद तक हम स्कूल में इसको कवर करेंगे। ये 9 महीने से 15 साल तक के बच्चों को कवर किया जाएगा और इसमें सहभागिता सभी विभागों को, वो सारे जो आंगनबाड़ी आशा वर्कर्स हैं, वो सारे जो इनके स्वास्थ्य के लिए स्टेक होल्डर्स हैं और स्वास्थ्य के साथ साथ शिक्षा विभाग के सारे लोग। इसमें बच्चों का उम्र 9 महीना से 15 साल तक का रखा गया है और इसी उम्र में जितनी भी बीमारियां हैं उसको फैलने की संभावना रहती है और इसको बहुत गंभीरता से लेके और सतर्कतापूर्वक इसका संपादन करना है। इसके लिए वैक्सीन है जिसका नाम है MR मिजिल्स रूबेला, जिसका अपने जिला में 15 जनवरी को संभावित है स्टार्ट होने का, और उसके पहले यह कार्यशाला से लोगों को अवगत करा देना होगा कि ये बीमारी के विषय में क्या है, उसके बाद वैक्सीन क्या है, वैक्सीन का क्या डोज होगा, सब विस्तार से इस पर सभी लोग जो है अपना अपना जो है प्रेजेंटेशन देके वो समझावेंगे। मिजल्स रूबेला जो कैंपेन मोड में 15 जनवरी 19 से संभावित है, उसके लिए वर्कशॉप आज आयोजित है और जो यहाँ पर पार्टिसिपेंट हैं MYC हैं, CDPO हैं, DEO हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल के पदाधिकारी जैसे DPO, CDPO, DPO और DEO, क्योंकि इस प्रोग्राम में स्कूल की सहभागिता करीब करीब 2/3, तो उसी के लिए हम लोग ये कार्यशाला एक तरह से कोऑर्डिनेशन है हर एक डिपार्टमेंट का और हर एक डिपार्टमेंट के सहयोग से ही इस कार्यक्रम में हम लोग सफल होंगे। टारगेट हम लोगों का बहुत अधिक है, करीब 15 से 17 लाख के बीच बच्चे हैं जिनको टीकाकरण होना है। रोटरी क्लब ऑफ दरभंगा ने रामगंज मध्य विद्यालय में विद्यार्थियों के लिए 2 टॉयलेट, हैंड वॉशिंग स्टेशन, सबमर्सिबल पंप और वाटर हीट टैंक का निर्माण कराया है। नगर विधायक संजय अस्त्रावगी ने इसका उद्घाटन किया। रोटरी क्लब ऑफ दरभंगा के सौजन्य से रामगंज मध्य विद्यालय में छात्र एवं छात्राओं के लिए 2 शौचालय, हैंड वॉशिंग स्टेशन, सबमर्सिबल पंप और वाटर हेड टैग का निर्माण कराया गया है, जिसका उद्घाटन करने पहुंचे नगर विधायक संजय सरावगी। क्लब के अध्यक्ष रोटेरियन डॉक्टर हरि दामोदर सिंह के साथ उपस्थित था पूरा रोटरी क्लब परिवार, निवर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर गौरी शंकर झा, सेक्रेटरी डॉक्टर जितेंद्र कुमार और ट्रेजरर रोटेरियन आशुतोष कुमार भी थे मौजूद। गंगा द्वारा पूरे शहर में सामाजिक कार्य किए जाते हैं, बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता की जाती है, बच्चियों के स्वास्थ्य की चिंता की जाती है। लगातार जितने भी सरकारी विद्यालय हैं, पूर्व में मैंने प्राथमिक विद्यालयों में, मध्य विद्यालयों में, MLA अकेडमी में और भी कई विद्यालय, उसमें भी जाके शुद्ध पेयजल, स्वच्छता के लिए बहुत सारे कार्यक्रम और अपने तरफ से बहुत सारे जो है व्यवस्थाएं की गई। आज मध्य विद्यालय रामपुर रामगंज में भी आज शौचालय का निर्माण कराया गया है और रोटरी क्लब दरभंगा ब्रांच द्वारा बच्चों को स्वच्छता के लिए पेयजल, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था का इंतजाम रोटरी क्लब दरभंगा द्वारा कराया गया। जो काम सरकार को करना चाहिए सरकार भी कर रही है, लेकिन रोटरी क्लब अपनी ओर से, रोटरी क्लब भारत सरकार की जो योजना है स्वच्छ भारत, उसी योजना के तहत 16 दिसंबर 2016 को एक एग्रीमेंट किया तत्कालीन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर के साथ, वेंकटैया नायडू के साथ, और हम लोगों ने स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत में एक स्वस्थ विद्यालय को भी जोड़ा और हमारा टारगेट है पूरे इंडिया में हर साल 10,000 विद्यालयों में सैनिटेशन, हाइजीन एंड ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी को अवेलेबल कराना।
उसी क्रम में हम लोग ये काम आगे बढ़ाते हुए दरभंगा में अब तक ये मेरा 7वां विद्यालय है जहां हम लोगों ने काम किया है। इस विद्यालय में बालक और बालिकाओं के लिए अलग शौचालय, शौच के बाद और खाने से पहले हैंड वॉशिंग स्टेशन और साफ पानी पीने के लिए फिल्टर हम लोगों ने लगाया है। इसका मेन उद्देश्य यह है कि ड्रॉप आउट जो बच्चे हैं जो स्कूल में नहीं आते हैं किसी कारणवश, मेन कारण जो 8th क्लास से ऑनवर्ड की जो बच्चियाँ होती हैं या 5th से 6th क्लास के ऑनवर्ड जो बच्चियाँ होती हैं वो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम के वजह से कहाँ पर वो पैड चेंज करेंगी जिसके वजह से विद्यालयों में वो नहीं आ पाती और उनका ड्रॉप आउट होता है। जब एक बंद कमरा रहेगा, एक रूम रहेगा जहाँ पर भी वो चेंज कर सकती हैं तब वो स्कूल में आएंगी। स्वच्छ पीने का पानी, अगर स्वच्छ पानी बच्चे पियेंगे तो वो बीमार कम पड़ेंगे तो उनके गार्जियन का पैसा कम खर्च होगा तो वो और दूसरे मजबूत पैसा को यूज़ कर पाएंगे और बच्चे अगर बीमार नहीं पड़ेंगे तो विद्यालयों में आएंगे। और इंफ्रास्ट्रक्चर आज प्राइवेट विद्यालय क्यों इतना हाईलाइटेड है, क्योंकि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, इसीलिए लोग वहाँ पर में जाते हैं। कुटीर एवं घरेलू उद्योग की जानकारी है आत्मनिर्भरता की कुंजी, कहा सीएम साइंस कॉलेज दरभंगा के प्रधानाचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने छात्राओं के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला का हुआ आयोजन। कुटीर एवं घरेलू उद्योग की जानकारी आत्मनिर्भरता की कुंजी, कहा सीएम कॉलेज दरभंगा के प्राचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने। सीएम कॉलेज में छात्राओं के लिए दीप तोरण एवं रंगोली प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित। महाविद्यालय का कार्य केवल छात्र छात्राओं को पाठ्यक्रम पढ़ाकर डिग्री दिलाना नहीं है बल्कि छात्रों के अंदर जो छिपी हुई प्रतिभा है उसे जागृत करना भी है और इसको प्रोत्साहित भी करना है। उक्त बातें डॉक्टर मुश्ताक अहमद प्रधानाचार्य सीएम कॉलेज दरभंगा ने कहीं। डॉक्टर अहमद ने कॉलेज के महिला प्रकोष्ठ की ओर से कौशल विकास के अंतर्गत कार्यशाला के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने महिला प्रकोष्ठ को इस आयोजन के लिए बधाई देते हुए कहा कि अभी छात्राओं के भविष्य के लिए अनेक स्वर्णिम अवसर उपलब्ध हैं। पर्यावरण की दृष्टि से कार्यशाला के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया। उन्होंने कहा कि दीपावली के पूर्व प्रदूषण मुक्त सजावट के लिए जो दीप तोरण रंगोली आदि का प्रशिक्षण दिया जा रहा है वह बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम अपनी छात्राओं को कुटीर एवं घरेलू उद्योग का प्रशिक्षण महाविद्यालय स्तर पर देते हैं तो भविष्य में वह आत्मनिर्भर होंगी। के दिए को हम सजाने के कार्यक्रम के लिए यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन यह एक शुरुआत है। जैसा कि सर ने कहा है कि हम इसमें से एक चिंगारी देखना चाहते हैं जो कब सोलह बनती है। हमारा आज का प्रयास सिर्फ गागर में सागर भरने जैसा है। आज के इस प्रोग्राम के बाद, इसके दौरान अगर आपका जो ये एक्टिविटी है, जो आप परफॉर्मेंस देते हो, इसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो इसको अपना, जैसा कि वोमेन सेल जो गणना सर ने बताया कि हम पढ़ाई के साथ साथ अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, तो पिनीलाइट परिवार की तरफ से हम कॉलेज के टॉप 10 स्टूडेंट्स का इंतजार करेंगे जो विद इन 3 मंथ हम उन्हें पिनीलाइट में एज ए टीचर एसोसिएट करेंगे। प्रकोष्ठ है उनके द्वारा बच्चियों को दिवाली के अवसर पर मिट्टी के दिया बनाना, अन्य प्रकार के सजाने की व्यवस्था जो पर्यावरण को दूषित न करे, उस तरह के कार्यक्रम के लिए एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया है जिसमें भारत सरकार का जो एक प्रोग्राम है स्किल डेवलपमेंट का, उसके भी जो ट्रेनर हैं पवन वर्मा जी, उसके संयोजक हैं, वो भी आए हैं। वो बच्चों को बताएंगे कि किस तरह से आप अपने खुद बाज़ार से ना खरीद करके आप खुद भी मिट्टी के दीप बना सकते हैं, बहुत कम खर्चे पे 100 रुपये के इस पे बहुत सारे मिट्टी के दीप बना सकते हैं। उसमें घी डालेंगे, उसे जलेगा, ताकि वो ये होगा कि वो पर्यावरण को दूषित मिट्टी तेल से नहीं होगा। तो इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे बच्चों के अंदर एक तरह का टैलेंट पैदा हो जाए, स्किल डेवलप हो जाए। इतना ही नहीं, ये अगर वो सीख लेंगे तो वो खुद से बना करके उसको मार्केट में भी दे सकते हैं, क्योंकि इसकी खपत बहुत है। तो एक तरह से बच्चे के अंदर जो है आत्मनिर्भरता पैदा करने के लिए भी इसका उद्देश्य है। और इस तरह के कार्यक्रम, मैंने कहा है कि इस तरह के कार्यक्रम होते रहना चाहिए। और ऐ काश देखूं मैं आज की रात चांद और पिया दोनों एक साथ, अखंड सुहाग की कामना के साथ सुहागिनों ने रखा करवा चौथ का। अखंड सुहाग की कामना के साथ महिलाओं ने रखा करवा चौथ का व्रत। जगह जगह हुई पूजा, चांद को देखकर ही तोड़ा गया व्रत। न्यूज टुडे पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। अब स्कूटी चलाइए सबसे अलग अंदाज में, ले जाइए गाड़ी मात्र 3,999 रुपए के डाउन पेमेंट पर, इजी फाइनेंस भी अवेलेबल। पाइए
5000 का फ्री पीटीएम कैशबैक, इंश्योरेंस एसेसरीज और रोड साइड असिस्टेंस। आइए 70 वर्षों से स्थापित ब्रांड वेस्पा और नंबर वन रेसिंग बाइक और स्कूटर एप्रिलिया के शोरूम आरएस ऑटो सिवधारा दरभंगा में 125, 150 एवं 154 सीसी की स्कूटी, थ्री वॉल्व इंजन, आकर्षक रंग, सिंगल चेचिस, सेल्फ स्टार्ट, डिस्क ब्रेक, मोबाइल चार्जिंग, ट्यूबलेस टायर और मेटल बॉडी। डायल करें 9430527162, 9430527163। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन आर नेम्ड टू ट्रस्ट अपॉन हेरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा। क्वालिटी एजुकेशन विद बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ऑल द व्हीकल्स आर इनेबल्ड विद जीपीएस, रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स लैब, वेरी गुड फैसिलिटीज फॉर बोथ इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, कंप्लीट स्कूल कैंपस इज अंडर सीसीटीवी सर्विलांस, रेगुलर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद पेरेंट्स थ्रू SMS अलर्ट सिस्टम, एम्फेसिस ऑन ऑल राउंड डेवलपमेंट, नो री एडमिशन चार्जेस फॉर ओल्ड स्टूडेंट्स, 5 acres environment friendly campus, all classrooms are as per CBSE norms. For more details dial 7763819774, Shailendra Jha, Principal. Manaiye Utsav Hamare Sang, Sari, Lehenga, Salwar Suit, Evam Kurti, aur bhi bahut kuch. Aakarshak Rang, Khas Evam Aadhunik Designo ke Kapde, Utsav Creation, Vibha Palace, Bank of Maharashtra ke Nikat, Mirzapur, Darbhanga. Call karein 9470439689 और 9891984679 पर। 10 लाख छात्रों की सफलता का साथी, 150 से भी ज्यादा शहरों में मौजूद कैरियर लॉन्चर अब दरभंगा में। बैंक, SSC, CA, CS एवं लॉ की पढ़ाई अब एक ही जगह, शर्मा डायग्नोस्टिक्स के निकट बंगाली टोला लहेरिया सराय दरभंगा। डायल करें 8809491122। क्वालिटी एजुकेशन विद ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर चिल्ड्रन, स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल बिरदीपुर दरभंगा, CBSE करिकुलम, क्वालिफाइड टीचर्स फ्रॉम दार्जिलिंग, 5 acre कैंपस विद ह्यूज प्लेग्राउंड, कंप्यूटर क्लासरूम, लाइब्रेरी, CCTV सर्विलांस, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, कमिंग अप इन फ्यूचर फुल्ली एयर कंडीशन क्लासेस, स्विमिंग पूल, शूटिंग रेंज एंड एयर कंडीशन हॉस्टल। For more details, dial 94314-600-27, 94300-14701 and 97093-34301। कपड़ों के जाने पहचाने ब्रांड अग्रवाल ड्रेसेस, मेंस टच और अग्रवाल साड़ीज की नई पेशकश अग्रवाल्स एक्सक्लूसिव, गणपति प्लाजा के निकट लालबाग दरभंगा। ब्लैकबेरी और मान्यवर के एक्सक्लूसिव शोरूम, शर्ट पैंट, सूट, कोट, ब्लेजर, बंडी, टाई बेल्ट एवं एसेसरीज के साथ शेरवानी, इंडो वेस्टर्न कुर्ते, दुपट्टा, पगड़ी तथा दूल्हे के आभूषण। अग्रवाल एक्सक्लूसिव, गणपति प्लाजा के निकट लालबाग दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार प्रवासियों का स्वागत, बढ़ेंगे आगे नजर एक बार फिर खास खबरों पर। हेडलाइंस आर स्पॉन्सर्ड बाई ओमेगा स्टडी सेंटर मिर्जापुर चौक दरभंगा, अ ट्रस्टेड इंस्टीट्यूट फॉर प्रिपरेशन ऑफ IIT, जी, मेडिकल, प्लस टू, बोर्ड, प्री फाउंडेशन फॉर क्लासेस 7th to 10th, NTSC एंड ओलंपियाड। जिलाधिकारी का सख्त आदेश, शौचालय के MIS एंट्री में लापरवाही पर 14 प्रखंड समन्वयक एवं कार्यपालक सहायकों के मानदेय में कटौती। मनोरम पर्यटक स्थल के रूप में विकसित होगा चंद्रधारी संग्रहालय एवं दिग्घी तालाब, जिलाधिकारी ने पूरी टीम के साथ किया निरीक्षण। दरभंगा मेडिकल कॉलेज में दीप प्रज्वलन के साथ रोबिला वैक्सीनेशन का हुआ प्रारंभ, जगह जगह लगाए जाएंगे टीके। रोटरी क्लब ऑफ दरभंगा द्वारा रहमगंज मध्य विद्यालय में विद्यार्थियों के लिए 2 टॉयलेट, हैंड वॉशिंग स्टेशन, सबमर्सिबल पंप और वाटर हेड टैंक का कराया गया निर्माण, नगर विधायक ने किया उद्घाटन। कुटीर एवं घरेलू उद्योग की जानकारी है आत्मनिर्भरता की कुंजी, कहा CM कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने। छात्राओं के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला का हुआ आयोजन। और ए काश देखूं मैं आज की रात, चांद और पिया दोनों एक साथ, अखंड सुहाग की कामना के साथ महिलाओं ने रखा करवा चौथ। दरभंगा जिला लोकतांत्रिक जनता दल ने धरना दिया, किसानों की समस्याओं को लेकर जिले के सभी प्रखंडों को सुखाड़ ग्रस्त घोषित करने की मांग को लेकर।
लोकतांत्रिक जनता दल दरभंगा जिला अध्यक्ष देवकांत राय की अध्यक्षता में किसानों की समस्याओं को लेकर सभी प्रखंडों को सुखाड़ग्रस्त घोषित करने की मांग के साथ धरना दिया गया। जो पूरा दरभंगा जिला सूखाग्रस्त है, सभी किसानों का धान का फसल जल गया है। 3,000 एक कट्ठा के पटवन में खर्चा करने के बाद वह धान मरहन्ना हो गया। 200 रुपये कट्ठा भी लेने वाला मवेशी को खिलाने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। और इस स्थिति में यह दुरंगी सरकार, जहां भाजपा का विधायक है, जहां आपका जदयू का विधायक है, उन प्रखंडों को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है, लेकिन जहां राजद के हैं, अन्य दल के हैं, ये उनको सूखाग्रस्त क्षेत्र से बाहर रखा गया है। मैं पूछता हूं, हर विधानसभा में सभी दल को वोट मिलता है, कुछ कम है और बेसी। जिनको ज़्यादा मिलता है वो जीतते हैं, जिनको कम मिलता है वो हारते हैं। कोई भी मुख्यमंत्री जनता का होता है, कोई भी सरकार जनता की होती है, कोई भी विधायक जनता का होता है, कोई भी सांसद जनता का होता है। यह कतई नहीं लिखा हुआ है। जो जिन विधानसभा क्षेत्र से हम जीते उनको हम सुविधा देंगे, और जिन विधानसभा में हार गए उनको हम प्रतिशोध की भावना से काम लेंगे। 6 प्रखंड को सौतेलापन व्यवहार किया गया है, जो सूखा क्षेत्र नहीं घोषित किया है, उसके लिए हमारे लोकतांत्रिक जनता दल के सभी कार्यकर्तागण एकबद्ध होकर के इसके विरुद्ध में आंदोलन कर रहे हैं कि दरभंगा के संपूर्ण प्रखंड को सूखाड़ क्षेत्र घोषित किया जाए। किसानों के साथ जो समस्या है उसके लिए, लेकिन यहाँ तो किसान के साथ साथ आम आवाम का भी जीना दुर्लभ हो गया है। यहाँ तो जब से SP साहिबा आई है, मानो जैसे इनको टेंडर मिल गया है कि यहाँ लूट मार और हत्या कराने का टेंडर लेकर बिहार में यहाँ दरभंगा आई है। और यहाँ नंगा नृत्य राजद के जो गठबंधन के लोग हैं, यहाँ दिन दहाड़े गोल चलाते हैं और लोगों की हत्या कर रहे हैं। कोई देखने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, लेकिन हम लोग मूल मुद्दा किसान के हित के लिए आए हैं। किसान का स्थिति बिल्कुल खराब है, और उन्होंने किस आधार पर या अन्य 7 प्रखंडों को छोड़ा है, इसके बारे में हम जिला अधिकारी से पूछना चाहता हूँ कि वह जाकर अपने स्तर से जाँच करे। एक भी ऐसा प्रखंड नहीं है जहाँ सूखाग्रस्त नहीं है। और किसान सभा के बैनर तले धरना दिया गया, दरभंगा जिला को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग और बढ़ रहे अपराध को रोकने की कोशिश को लेकर। CPM द्वारा किसान सभा के बैनर तले जिलाध्यक्ष श्याम भारती की अध्यक्षता में एक दिवसीय धरना देकर आवाज बुलंद की गई। दरभंगा जिले को सूखाग्रस्त घोषित करने और बढ़ रहे अपराध पर अंकुश लगाने की पुरजोर मांग हुई। अखिल भारतीय किसान सभा AIKS के आह्वान पर पूरे देश में राफेल चोर गद्दी छोर किसानों के मुद्दों को लेकर बेदखली पर रोक लगाने, गरीबों के काबिज जमीन का पर्चा देने, अपराध पर रोक लगाने और दरभंगा जिला को सूखाड़ क्षेत्र घोषित करने की मांग को लेकर आज हम लोग यहां धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम बताना चाहते हैं, जो प्रधानमंत्री के सेवा काल में सबसे बड़ा राफेल घोटाला हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्री विधायक आज भ्रष्टाचार में शामिल हैं। पूरे देश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसानों से किए गए वादे पर अमल नहीं हो रहा है। दरभंगा जिला सुखाड़ के चपेट में है, लेकिन दरभंगा जिला के पदाधिकारी के द्वारा दरभंगा जिले के 7 प्रखंडों के साथ सतेलापन व्यवहार किया गया है। नीतीश के सरकार बेदखल अभियान चला रहे हैं, अपराध बढ़ रहा है बड़े पैमाने पर। ये एक सप्ताह के अंदर कई घटनाएं हुए हैं, कई लोगों की हत्या हुई है। दरभंगा जिला में पुलिस प्रशासन विफल है हत्यारा पर कार्रवाई करने के लिए। पूरे भारत में राफेल में भ्रष्टाचार के खिलाफ धरना आयोजित किया जा रहा है। दरभंगा में सिर्फ किसान सभा है और किसान सभा ने धरना आयोजित किया है। हम कहना चाहते हैं कि आज देश की हालत बहुत खराब है, सभी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है, और अब जो परिस्थिति बन रही है, जनता अब सरकार से उब चुकी है और जनता चाहती है कि मोदी से कब भारत का पिंड छूटे। हम कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री को अब 1 मिनट गद्दी पर रहने का अधिकार नहीं है,
क्योंकि जब रक्षा सौदे में भ्रष्टाचार उजागर हो गया, जिसके चलते सीबीआई में भी विवाद हुआ है। अभी सीबीआई का विवाद एक्सट्रीम पर है, उच्च स्तर पर है, पूरे देश में चर्चा है, सारी संस्थाएं और विश्वसनीयता में गिर गई है। इस परिस्थिति में अब प्रधानमंत्री और इस सरकार को एक मिनट का भी पर रहने का अधिकार नहीं है। हम लोग आज पूरे देश में धरना आयोजित करके यही बात कहना चाहते हैं कि अब जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में हमको लड़ना चाहिए। दरभंगा जिला की हालत आप देख सकते हैं कि कैसे अपराध बढ़ रहा है, रोज गोलियां चल रही है, लोग मारे जा रहे हैं और कहीं से भी अपराध पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। जिला प्रशासन फेल कर गई है, राज्य सरकार फेल कर गई है। हम कहना चाहते हैं कि अब आज एमएसयू के सदस्यों ने दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल जाकर वहां सुविधाओं का हाल देखा और कमियों से संबंधित ज्ञापन अधीक्षक को सौंपा। मिथिला स्टूडेंट यूनियन दरभंगा इकाई एमएलएसएम अध्यक्ष अभिषेक कुमार झा के नेतृत्व में एमएसयू के कार्यकर्ता पहुंचे दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, वहां की स्थितियों को देखा और अधीक्षक से मिलकर ज्ञापन सौंपा और अपनी कई मांगे वहां रखी। दरभंगा में बढ़ते अपराध के खिलाफ सदर जनप्रतिनिधि एवं इनकलाबी नौजवान सभा के सदस्यों ने निकाला प्रतिवाद मार्च। दरभंगा में बढ़ते अपराध के खिलाफ सदर जनप्रतिनिधि एवं इनकलाबी नौजवान सभा के सदस्यों ने सीएम लॉ कॉलेज से आयकर चौक तक निकाला प्रतिवाद मार्च। अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप नीतीश सरकार पर, किया इस्तीफे की मांग। शनिवार को सदर प्रखंड के जनप्रतिनिधि एवं इनकलाबी नौजवान सभा के सदस्यों और कार्यकर्ताओं ने प्रतिवाद मार्च निकाला, जिसमें दर्जनों लोग शामिल हुए। प्रतिवाद मार्च कॉमरेड भोगेंद्र झा चौक पर पहुंचकर प्रतिवाद सभा में तब्दील हो गया, जिसकी अध्यक्षता इनौस महानगर के अध्यक्ष रंजीत राम ने की। उक्त सभा को संबोधित किया इनौस के जिला संयोजक गजेंद्र नारायण शर्मा के साथ कई लोगों ने। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा जारी मिशन साहसी कार्यक्रम लगातार दूसरे दिन भी आयोजित हुआ विभिन्न महाविद्यालय एवं विद्यालयों। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम मिशन साहसी विद्यार्थी परिषद द्वारा दरभंगा जिले में दूसरे दिन भी विभिन्न महाविद्यालय एवं विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें डॉक्टर नागेन झा महिला महाविद्यालय, एमआरएम कॉलेज, एमआरएम हाई स्कूल, राजेंद्र बालिका उच्च विद्यालय, भरवारा हाई स्कूल, सभी महाविद्यालय एवं विद्यालयों में सैकड़ों छात्राओं ने इस कार्यक्रम में शामिल होकर जूडो कराटे का महत्व एवं प्रशिक्षण लिया। 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये टैलेंट होगा जो विद्यार्थी परिषद सिखाया जा रहा है, तो निश्चित रूप से वो अपना आत्मरक्षा तो करेगी ही, लेकिन अगर उसकी नजर के सामने किसी महिला या किसी बच्ची की उसके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उसको दबोचा जा रहा है, उसके उसको भी बचाने का काम करेगी। स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद के निधन पर सार्वजनिक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया दरभंगा टावर पर, अध्यक्षता की डॉक्टर हरिकृष्ण चौधरी। मिथिलात्मक अध्यात्म मंच की ओर से दरभंगा टावर पर स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद जी के निधन पर एक सार्वजनिक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया शनिवार को। अध्यक्षता की डॉक्टर हरिकृष्ण चौधरी ने, समाज के विभिन्न तबके से आए हुए वक्ताओं ने स्वामी सानंद को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सरकार के समक्ष कई मांगे रखी, जिनमें राष्ट्रीय नदी गंगा से संबंधित विशेष कानून सरकार यथाशीघ्र बनाए, गंगा में सभी प्रकार के खनन को शीघ्र बंद किया जाए, गंगा नदी पर बन रही विभिन्न योजनाओं को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए और गंगा नदी पर अधिनियम का प्रारूप प्रोफेसर जीडी अग्रवाल ज्ञान स्वरूप सानंद वाली समिति द्वारा जो अनुशंसित है उसे ही पारित किया जाए। स्वरूपानंद जी महाराज के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करे अविरलता के लिए, निर्मलता के लिए, स्वच्छता के लिए, मातृ सदन हरिद्वार उत्तराखंड कनकन, वहाँ स्वामी शिवानंद जी के मार्गदर्शन में 7 वर्ष पहले मिथिला के 31 वर्ष के नौजवान अपना बलिदान दिए थे 113 दिन अनशन पर रख के। आज जीडी अग्रवाल जी जो एक कुशल इंजीनियर थे, विभागाध्यक्ष थे कानपुर में, पर्यावरणविद थे, उन्होंने 113 दिन तक गंगा के अविरलता के लिए अनशन किए और यह सरकार संवेदनहीन है। बेनीपुर दरभंगा के तत्वावधान में स्वामी सानंद उर्फ जी डी अग्रवाल
जे आईआईटी कानपुर के अध्यक्ष छलाह वहाँ महान वैज्ञानिक के अनशन कैलन 111 दिन 112 दिन सरकारी संरक्षण में हॉस्पिटल में ल जाकर कौन परिस्थिति में स्वस्थ प्रधानमंत्री के तीन तीन टा पत्र लिखलन तैयो को समाधान नहीं मिले गडकरी से फोन पर गप भेलन। प्रोफेसर जी डी अग्रवाल के प्रति जो एक इंजीनियर थे पर्यावरणविद थे गंगा माता के संरक्षण और प्रबंध के लिए विशेष कानून बनाने के लिए 112 दिन तक अनशन पर थे। संत जागेश्वर दास के निधन पर कबीर गोष्ठी का आयोजन किया गया और संत जागेश्वर दास के निधन पर कबीर गोष्ठी आयोजित की गई देकुली मिर्जापुर कोवाही में। नागपुर में आयोजित 23वीं सब जूनियर राष्ट्रीय टेनिस बॉल क्रिकेट टीम की घोषणा हुई। 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक आयोजित हो रही प्रतियोगिता। नागपुर नेशनल के लिए बिहार टेनिस बॉल क्रिकेट टीम घोषित। नागपुर में आयोजित 23वीं सब जूनियर राष्ट्रीय टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए बिहार बालक वर्ग की टीम की घोषणा कर दी गई है। यह प्रतियोगिता 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक आयोजित की जा रही है। टेनिस बॉल क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में भारतवर्ष की कुल 28 राज्यों की टीमें भाग ले रही हैं। सारिक अनवर को कप्तान एवं प्रभास कुमार झा को उपकप्तान बनाया गया है। यह जानकारी देते हुए टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार के सचिव जावेद अनवर ने बताया कि 10 दिन के कड़े प्रशिक्षण के बाद आज शाम टीम नागपुर के लिए प्रस्थान करेगी। ये तक के समाचार बदलेंगे आपसे नजर एक बार फिर हेडलाइंस। जिलाधिकारी का सख्त आदेश, शौचालय के MIS एंट्री में लापरवाही पर 14 प्रखंड समन्वयक एवं कार्यपालक सहायकों के मानदेय में कटौती। मनोरम पर्यटक स्थल के रूप में विकसित होगा चंद्रधारी संग्रहालय एवं दिघी तालाब, जिलाधिकारी ने पूरी टीम के साथ किया निरीक्षण। दरभंगा मेडिकल कॉलेज में दीप प्रज्वलन के साथ रोबिला वैक्सीनेशन का हुआ प्रारंभ, जगह जगह लगाए जाएंगे टीके। रोटरी क्लब ऑफ दरभंगा द्वारा रहमगंज मध्य विद्यालय में विद्यार्थियों के लिए 2 टॉयलेट, हैंड वॉशिंग स्टेशन, सबमर्सिबल पंप और वाटर हेड टैंक का कराया गया निर्माण, नगर विधायक ने किया उद्घाटन। कुटीर एवं घरेलू उद्योग की जानकारी है आत्मनिर्भरता की कुंजी, कहा CM कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने। छात्राओं के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला का हुआ आयोजन। और ऐ काश देखूं मैं आज की रात, चांद और पिया दोनों एक साथ, अखंड सुहाग की कामना के साथ महिलाओं ने रखा करवा चौथ का व्रत। ये थी अभी तक की खबरें, इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को आप GTPL केबल के 986 नंबर पर देख सकते हैं। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। विदा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।